कहते हैं कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ सत्य है तो वो है मौत। ये दुनिया की इकलौती हकीकत है। निश्चित ही इंसान को एक दिन मौत का स्वाद जरूर चखना है। हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक मृत्यु के बाद शव के दाह संस्कार के कई नियम हैं। कुछ नियमों का तो हम विधि पूर्वक पालन करते हैं, लेकिन आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि लोग शव के दाह संस्कार में जल्दबाजी दिखाने लगे हैं। इसमें कभी तो पुरोहित का दोष होता है तो कभी मृतक के रिश्तेदारों या साथ के लोगों का। सनातन धर्म के अनुसार शव का दाह संस्कार अगर विधि पूर्वक और हर एक नियम के साथ ना किया जाए तो मोक्ष प्राप्ति में मुश्किल होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अपने किसी सगे संबंधी या किसी जानने वाले के दाह संस्कार के वक्त हमें आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म कहता है कि साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना में लिप्त रहने से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा लिए होता है। ऐसे में उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विस्तृत होने दिया जाता है। जबकि आम इंसान को इसलिए अग्नि दी जाती है क्योंकि अगर उनकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति या यूं कहे कि अटैचमेंट बची हो तो वो छूट जाए। और दूसरा ये कि दाह संस्कार करने से अगर किसी भी किस्म का रोग या संक्रमण हो तो वो नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डी को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार के वक्त रीति और नियम का भी विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है, या कहें कि नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग शव के साथ सिर्फ एक उचित दूरी तक ही साथ चलते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से गलत और अनैतिक है। अंतिम संस्कार की आखिरी क्रिया तक शामिल होना बेहद जरूरी होता है। अंतिम संस्कार में शामिल होना एक पुण्य का भी काम है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ हो उस घर से 100 गज दूर तक के घर के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर हर सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। अब बात आती है शव की परिक्रमा की। शमशान ले जाने से पहले घर पर कुटुंब के लोगों का मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने का प्रावधान है। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्रिया को सभी तत्वों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है और इसके पीछे और भी कई कारण हैं। दरअसल इसका एक मतलब ये भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। इसी के साथ ही शव को ले जाते वक्त दिशा ज्ञान होना भी बेहद जरूरी होता है। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, वो इसलिए कि आखिरी बार मृत व्यक्ति इस संसार को देख सके। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है, फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। एक बात और ध्यान रखने की भी जरूरत होती है और वो ये कि सूर्यास्त के पहले पहले ही दाह संस्कार हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई हो तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। हालांकि सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार के पीछे और भी कई कारण होते हैं। पिंडदान भी दाह संस्कार का एक विशेष नियम होता है जिसे युवा पीढ़ी भुलाती जा रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पिंडदान करते क्यों हैं? दरअसल दाह संस्कार के बाद जो तीसरा दिन होता है उसे उठावना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन करवा कर शांति कर्म किया जाता है, जिसके बाद 12वें दिन पिंड दान किया जाता है और इसी के साथ 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। इसके बाद 1.25 महीने का कर्म होता है, फिर बरसी मनाई जाती है और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। अंत में 3 साल बाद बिहार के गया में उसका पिंडदान कर मुक्ति पाई जाती है।
ये कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे सगे संबंधी की आत्माओं को मुक्ति मिले और उनका अगला जन्म बिल्कुल स्वस्थ और एक अच्छे परिवार में हो। तो इसके लिए हमें हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दिए गए सभी रिवाजों को विधि पूर्वक पालन करना चाहिए।